अभी फिलहाल गुवाहाटी लाल गणेश का एम टी कॉम्प्लेक्स में आस मैं आसे तो पासपोर्ट लिए बहुत। हेलो दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। अगर चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकन है घंटी है उसको भी बजा लीजिए। और मैं आज आया हूँ फिर से एक नया मज़ेदार वीडियो लेके, तो वीडियो में बने रहिए। आज मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट निकालने के लिए और अभी फिलहाल मैं दोस्त का रूम में हूँ, तो आप लोग को दिखाऊंगा उसको प्रोसीजर क्या होता है, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या उसका फीस होता है, तो वीडियो में बने रहिए। और अभी तो फिलहाल 12:15 हो गया और मेरा अपॉइंटमेंट है 1:35 का, तो मैं अभी निकलता हूँ। अरे ब्रो बाय ऐसो हाँ न मैं आसे तो पासपोर्ट लिया आसे पासपोर्ट आने और फिलहाल अभी मुझे दौड़ना सही है, नहीं तो मेरा देर हो जाएगा। अरे यार लिफ्ट भी अभी नहीं है, तो लिफ्ट को बुला दिया, अभी लिफ्ट आएगा उसके बाद। और अभी तो फिलहाल नीचे हूँ, तो दोस्त का जो दुकान है उसमें जाना पड़ेगा और उसमें जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है उसको मतलब प्रिंट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से मुझे निकलना पड़ेगा। अभी फिलहाल गुवाहाटी लाल गणेश का एम टी कॉम्प्लेक्स में आ चुका हूँ और ये है मेरा दोस्त, और अभी इसमें जो मेरा पासपोर्ट का काम होगा और यही कर रहा है। अगर आप किसी को कोई करना चाहता है तो यहाँ में आके कर सकता है, बढ़िया से कि नहीं? बढ़िया से कर सकते हैं। अगर किसी का कुछ ऑर्डर भी देना है तो यहाँ में दे सकते हैं, बढ़िया से दे सकता है, बढ़िया से। और यहाँ प्राइस देख सकते हैं कितना कम लिखा है, और इसका जो भी होगा, जो डिटेल्स होगा, जो लोकेशन होगा, इसको मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग जो लोकेल है उसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ देख सकते हर किसी का हर एक पेमेंट का कर सकते ट्रांजेक्शन, इसका कोई टेंशन नहीं है। और कि बा कम नहीं दिखो एवं काटी नहीं मैं कैसे ना लोकेशन तो दिखाया रहा है। और ये रहा जो लोकेशन है, इसको मैं अच्छे से बढ़िया तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अभी छोटा सा स्टार्ट हुआ है, ऊपर भी है शायद मेरे ख्याल से, अभी आप लोग उसको प्यार दीजिए थोड़ा बहुत, तो बड़ा होगा हम लोग के लिए अच्छा होगा। असमीस लड़का है, असम में करना चाहिए। दुकान में हूँ और इसमें आपको हर तरह का, जैसे कि ऑनलाइन का हो या फिर पेंटिंग का, जो भी होगा, पोस्टर मेकिंग, कुछ भी होगा, और आप इसमें ऑर्डर दे सकते हैं बढ़िया से। और इसमें आप लोग को हमें एक कार्ड भी दिखाई देगा, तो मैं कार्ड भी लास्ट में फोटो एक उसका एक दे दूंगा और आप लोग उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। आप लोग को जैसे कि बताया था मैं, जैसे कि पासपोर्ट जहाँ में बनता है वहाँ मैं आप लोग को दिखाऊँगा, लेकिन हमें जो कैमरा था वो अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं लेके नहीं जा पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अभी वहाँ में मेरा काम सब हो गया है, पासपोर्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन था वो भी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जो वेरिफिकेशन था वो भी हो गया, और कल था मेरा जो पुलिस वेरिफिकेशन था वो भी हो गया है। लेकिन जो गांव, मैं तो गांव का हूँ, और गांव का जो गांव बूढ़ा होता है उसका, जैसे कि उसका लिखा हुआ होता है वो सही होता है, लेकिन मैंने वो भूल गया है, तो फिर से मुझे आज जाना पड़ेगा उसके लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। और जो जो आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो, जैसे कि एक नंबर है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद पीआरसी, उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो ओबीसी मीन जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो चाहिए, और उसके बाद जैसे कि आपका पर्सनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, वो सब सही है। और देखिए घर का जो आपका ज़मीन है कहाँ पे है उसका, वो लोकेशन सही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल सही है, क्योंकि उसमें आपका जो बेनिफिट होता है वो होता है। जैसे कि आप अगर वो सब डॉक्यूमेंट देंगे उसके बाद आपका कोई मतलब प्रॉब्लम या इशू नहीं होगा, तो आप जितना भी हो सके उसका ट्राई कीजिए वो सब देने के लिए। उसके बाद आपका लगभग कितना एक महीने के अंदर आ जाता है। आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका तत्कालीन होता है और एक नॉर्मल वाला होता है। नॉर्मल वाला आपका एक महीने में आता है और जो तत्कालीन है वो लगभग एक सप्ताह या फिर 10 दिन के अंदर आ जाता है।
और एक बात, जैसे कि आपका एक 32 पेज का होता है और एक 60 पेज का होता है, मैं जो अप्लाई किया उसका था 60 पेज का, और जो नॉर्मल वाला होता है, नॉर्मल नहीं नॉर्मल वाला होता है वो होता है आपका लगभग 32 पेज का। जैसे कि मुझे ज़्यादा घूमना है तो इसलिए मैंने 60 पेज का ऑर्डर किया है, उसका मुझे लगभग पड़ा 2000 रुपीज़ पड़ा। और अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए आपको पड़ेगा या कितना का 1500 का पड़ेगा, जो 32 पेज है उसका 1500 का पड़ेगा। और मैं जब से गुवाहाटी से आया हूँ उसके बाद मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, तो इसलिए मैं जो वीडियो था वो मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अभी से ट्राई करूँगा कि जो वीडियो होगा वो सब मैं कंटिन्यू ट्राई करूँ। अभी थोड़ा बहुत तो मतलब तबीयत अच्छा ही है। अगर आप लोग मेरा चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जो सबसे पहले आप लोग को मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय।